तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे सैमसंग A52s 5G के एंड्रॉयड 14 बेस्ड वन UI 6.0 अपडेट के बारे में जानेंगे कि कब तक अपडेट मिलेगा, टेस्टिंग चल रही है या फिर नहीं। सारी जानकारी आज के इस वीडियो के अंदर मैं देने वाला हूं, तो लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को। साथ ही चैनल पे अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष राम, देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, A52s 5G लॉन्च हुआ था 2021 में एंड्रॉयड 11 और वन UI 3.1 अपडेट के साथ, और लॉन्च करते समय सैमसंग ने अपडेट इसको देने का प्रॉमिस किया था। 3 मेजर ओएस अपडेट और 4 साल के सिक्योरिटी पैचेस अपडेट, जो कि सिक्योरिटी पैचेस का अपडेट हर महीने रोल आउट किया जाता है। तो इसको फर्स्ट मेजर ओएस अपडेट मिला एंड्रॉयड 12 का 2022 के स्टार्टिंग में। उसके बाद सैमसंग ने इसमें सेकेंड मेजर ओएस अपडेट दिया 2022 में ही, नवंबर के महीने में, एंड्रॉयड 13 का। और इसको लास्ट मेजर ओएस अपडेट मिलेगा एंड्रॉयड 14 का अपडेट, और एंड्रॉयड 14 का जो अपडेट है वो हमें इसी साल देखने को मिलेगा 2023 में, जो कि हमें नवंबर में देखने को मिलेगा। बात करें टेस्टिंग की, तो टेस्टिंग जो है वो लगातार चल रही है। सैमसंग ने कल ही एक फर्मवेयर को टेस्ट किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं लेटेस्ट टेस्ट बिल्ड नंबर, जो कि सैमसंग ने 5 सितंबर को टेस्ट किया है और अपडेट टाइप में वन UI अपडेट बता रहा है। तो टेस्टिंग जो है वो लगातार चल रही है, और सैमसंग जो है वो 2 से 2.5 महीने टेस्टिंग करता है। तो इसके लिए जो टेस्टिंग है वो अगस्त के स्टार्टिंग से ही शुरू कर दी गई थी, तो इसको लगभग नवंबर के मिड तक अपडेट मिल जाएगा दोस्तों, उससे पहले भी मिल सकता है। इसके अलावा काफ़ी सारे नए फीचर्स आने वाले हैं इस बार। तो सैमसंग ने नोटिफिकेशन पैनल को रीडिज़ाइन कर दिया है, साथ में नए एनिमेशंस ऐड किए गए हैं, काफ़ी सारे नए फीचर्स ऐड किए गए हैं। तो वेट कीजिए, और भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन आती है या फिर अपडेट आता है तो आपको मेरे चैनल पे इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।